होते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि अगर केंद्र और त्रिकोणेशी अगर दोष युक्त हो तो उसका फल कैसा आएगा। ठीक है, अगर केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी ही पाप प्रभाव में हो तो उसका फल कैसा आएगा। देखिए कि केंद्र त्रिकोणेश का कुछ दोष से योग तो होगा कभी ना कभी इसी कुंडली में। ठीक है, किंतु परस्पर संबंध रखने से ही, अगर केंद्र त्रिकोण परस्पर संबंध कहीं भी रखे तो वो तो योग का ही होगा। ठीक है, समझेगा बात को। केंद्र त्रिकोणेश एक साथ अगर कहीं परस्पर संबंध करते हो, जुटि में हो, दृष्टि में हो, भाव में हो, तो क्या होगा कि वो तो योग कारक कह रहे हो गए, लेकिन उसका फल कितना होगा ये समझने की बात है। देखिए, सरल नियम क्या है। सरल नियम यह है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध हमेशा योग कारक होता है। इस नियम में कोई शंका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो केंद्र त्रिकोणेश का संबंध ठीक है, इसे हमेशा ऋषियों ने सूफी माना है। अगर केंद्रेश और त्रिकोणेश का ये संबंध अगर अशुभ भाव में पड़े ठीक है, तो वो इतना सुफल देने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए हमको समझना होगा कि वो अशुभ होगा तो कहाँ पर होगा, किस स्थिति में अशुभ होगा और कौन सा स्थिति में रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। देखिए, सामान्यतम नियम क्या है कि कोई अगर ग्रह ठीक है केंद्र त्रिकोणेश अगर नीच राशि में हो, पाप कर्तारी में हो, शत्रु राशि में हो, शत्रु नवांश में हो, क्रूर संस्थांश में हो, बाल अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, पराजित होना ठीक है आदि ग्रह का ये दोष है, ये दोष लगेगा। ठीक है, और एक समझिएगा कि पराशर की जो मत है, पराशर की मत से कोई अशुभ स्थानों का अगर अधिपति मिले, अशुभ स्थानों का अगर स्वामी हो तो भी वो ग्रह दुष्ट ही होता है, वो कुंडली के लिए खराब रिजल्ट देने वाला ही होता है। तो क्या क्या है केंद्र त्रिकोणेश का दोष कहाँ पर रहेगा। देखिए, हालांकि ये केंद्र त्रिकोणेश अगर कोई संबंध में रखे तो ये योग कारक होगा ही होगा। अगर ये नीच राशि में हो, अष्टम में हो ठीक है, पापकर्तारी में हो, पापकर्तारी मतलब क्या कि जिस राशि में वो ग्रह है ठीक है, उसके आगे या पीछे अगर दो पापी ग्रह हुआ तो वो पाप कर्तारी में आ जाएगा। अगर वो पाप कर्तारी में हो केंद्र त्रिकोणेश, शत्रुगत शत्रु राशि में हो, शत्रु नवांश में हो, संस्थांश में हो, शत्रुर संस्थांश में हो, बाल अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो और पराजित होने पर केंद्र त्रिकोणेश का भी दोष लगेगा, उसे दोष युक्त समझना चाहिए। आइए आप समझते हैं कि केंद्र और त्रिकोणेश का दोष किस स्थिति में लग सकता है। देखिए, केंद्रेश का दोष किस स्थिति में लग सकता है, त्रिकोणेश का भी हम लोग जानेंगे, पहले केंद्रेश का जान लेते हैं। केंद्रेश का किस स्थिति में दोष लग सकता है, अगर केंद्रेश शुभ ग्रह हो ठीक है, अगर केंद्रेश अगर शुभ ग्रह होगा तो दोष लगेगा। अगर केंद्रेश का दूसरी राशि, एक राशि केंद्र में आया और अगर दूसरी राशि थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, एट हाउस और ट्वेल्थ हाउस में पढ़ने से इन्हें दोष लगता है, उसे दोषी स्थान में इसे दोष लगने लगता है। और तीन भाव, तीन स्थान थर्ड, सिक्स, एट और ट्वेल्थ स्थानों का जो स्वामी से अगर उनके अधिपति से अगर केंद्र त्रिकोणेश का सॉरी केंद्र का अधिपति का अगर कोई संबंध हो जाए तब भी ये
कैनरस को दोष लगता है, और अगर कैनरस ही अगर मिस हो, अष्ट हो, शत्रु राशि में हो, बाल्य अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, फिर अस्तगत अवस्था में हो, पराजित अवस्था में हो, तो भी केंद्र अधिपति को दोष लगेगा। अगर स्वयं पाप केंद्र होकर, ठीक है, अगर वो पापी केंद्र होकर अगर 3rd, 6th, 8th और 12th स्थानों का भी स्वामी हो, तब भी केंद्र को दोष लगेगा। आइए आप हम समझते हैं कि त्रिकोणेश को दोष कैसे लगेगा। देखिए, त्रिकोणेश की दूसरी राशि अगर 3 से 8, 11 भाव में पड़ेगा, तो वो अगर वह संबंध हो रहा हो, ठीक है, अगर त्रिकोणेश की दूसरी राशि 3 से 8, 11 में पड़ना, या स्वयं त्रिकोणेश अगर से 3 से 8, 11 में पढ़ना, त्रिकोणेश को दोष लगाता है, ठीक है। और त्रिकोणेश भी अगर नीच हो, अष्ट हो, फिर पराजित हो, बाल्य अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, शत्रु नवास में हो, पुरुष हस्तांश में हो, तो उसे दोषी माना जाएगा, वो कुंडली के लिए दोष योग है। देखिए, बहुत सारे विद्वान की विचार से क्या है कि 3 से 8, 11 स्थानों में अगर दूसरी राशि पड़े तो उतना दोष नहीं लगता, ये हमारे हिसाब से भी, जितना कि कोई ग्रह स्वयं केंद्र या त्रिकोणेश हो, स्वयं वो नीच हो, अष्ट हो, या शत्रु क्षेत्र में हो, ठीक है, पराजित हो, बाल्य अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, नवांश में शत्रु राशि में हो, नवांश में नीच हो, संस्थांश में क्रूर संस्थांश में हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा अशुभ फल देता है, वो ज़्यादा दोषी होता है। केंद्रेश या त्रिकोणेश की अगर दूसरी राशि समझिएगा कि 3 से 8 या 11 भावों में हो, तो ऐसा आमतौर में देखा जाता है कि कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण का एक ना एक राशि तो 3 से 8, 11 भाव में प्राय मैक्सिमम लग्नों में ये देखी गई है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिएगा कि परस्पर अगर संबंधी होकर केंद्र त्रिकोण, ठीक है, ये अगर परस्पर संबंध हुआ कुछ भी, तो वो हमेशा शुभ फल ही देगा। देखिए कि हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा कि निसंगत अगर कोई ग्रह हुआ होने पर, ठीक है, निसंगत कोई ग्रह होने पर फिर संबंधी होकर अगर वो संबंध रखता हो, तो वो अल्प मात्रा में शुभ फल जातक को जरूर देगा, बहुत ज़्यादा खराब फल तो वो कभी नहीं देगा। लेकिन शर्त क्या है कि वो गलत स्थान होने से भी उन लोगों के बीच में अगर परस्पर संबंध हुआ, तो वो अल्प मात्रा में होने से भी शुभ फल जातक को देगा, और ये बात पक्का है। देखिएगा, ये जो दोष है, इस दोष में कई या कुछ दोष होने पर अगर केंद्र त्रिकोण का स्वामी का अगर परस्पर संबंध हो गया, अगर कुंडली में केंद्र त्रिकोण का अगर परस्पर संबंध होता है, तो अवश्य ही ये कुंडली के लिए योग कारक होगा, शुभ फल देने वाला होगा। तो आज हमने क्या समझा कि ग्रह की दूसरी राशि 3 से 8, 11 भावों में पड़ने से भी ज़्यादा दोषप्रद कहा होगा, कोई ग्रह अगर अस्त हुआ, नीच हुआ, शत्रु राशि में हुआ, शत्रु नवांश में हुआ, क्रूर संस्थांश में हुआ, और नवांश में भी नीच हुआ, बाल्य अवस्था में हुआ, वृद्ध अवस्था में हुआ, पराजित अवस्था में हुआ, ये सब के कारण ग्रह को ज़्यादा दोष लगता है, ना कि
भावों के कारण इतना दोष लगता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।